हरिओम। आज हम स्टफ कैप्सिकम बनाएंगे। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है। यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है। 3 से 4 कली लहसुन की। अब इसे थोड़ा कुक होने देंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए। अब ये रेडी है। इसके अंदर मैं ये मटर डाल रही हूँ। 1 गाजर लिया है कद्दूकस करके। हरी मिर्च है, ये स्वाद अनुसार। और यहाँ पे मैंने 1 मकई के दाने निकाल लिए थे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक। इसे थोड़ा सा हम कुक कर लेते हैं। इसके अंदर यहाँ पे काली मिर्च डाल देंगे। अब इसे हम 5 मिनट कुक कर लेंगे। अब ये रेडी है। इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। पनीर लिया है, उसको हाथों से ऐसे क्रम्बल करके डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे 2 चम्मच मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ। और अब गैस बंद कर लेंगे। 3 कलर के कैप्सिकम लिए हैं। ये इस तरह से बीच में से हम काट लेंगे। इस तरह से काट लेंगे बीच में से। और ये जो बीज है ये सारे निकाल देंगे। मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं। नमक डाल देंगे अंदर। और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अब अच्छी तरह से इसे अंदर से इस तरह से सब जगह लगा लेंगे। अब ये स्टफिंग ठंडा हो चुका है। अब ये कैप्सिकम में ये सारा स्टफिंग अच्छी तरह से हम भर देंगे। इस तरह से हम सारी कैप्सिकम भर लेंगे। मैंने वही पैन फिर से लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल डाल देंगे। गरम हो चुका है। हम ये कैप्सिकम इसके अंदर रख देंगे और इसे ढक देंगे। कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चीज डाल देंगे। कैप्सिकम के ऊपर पानी नहीं डालेंगे, ऐसे बाजू में थोड़ा सा छींटे डालेंगे। और अब इसे कुक होने देंगे। चेक कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम सर्व कर लेते हैं।